एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, दिन है आज मंगलवार का और टाइम हो रहा है सुबह के जो है 8:45 बज चुके हैं और मेरी किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, लंच वगैरह पैक सब हो चुका है, हस्बैंड जी जा चुके हैं। यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी डेली की डस्टिंग, जो है शीशे को सफाई कर रही हूँ उसकी, क्योंकि गंदा हो रखा था। और कहते हैं शीशे को थोड़ी छींटे मार के और पेपर से साफ़ करते हैं तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है और बहुत ही क्लीन साफ़ होता है, तो बस वही मैं आज कर रही थी। और यहाँ पे जो है उसके बाद जो है मैंने की थी सफ़ाई, ये सब जो अलमीरा वगैरह थे, ये इनके जो मैंने जो इनके कपड़े बिछाने वाले हैं ये सब मैंने धोए थे, तो बस उनको बिछाया था। यहाँ आ गई थी झाड़ू की बारी। तो क्या होता है ना कभी कभी के जल्दी काम हो जाता तो अच्छा लगता है कि जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी काम होता है तो उससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो बस वही है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है। और आज मैंने थोड़ा सा सोचा था कि आज ये फ़र्श वगैरह जो है थोड़ा मैं धो दूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए थे, हफ्ते में एक बार मैं धो ही देती हूँ। तो बस वही है, अभी मेरे पिछले व्लॉग में शायद आपको पिछले वीक के व्लॉग में मैंने देखा होगा आपने कि मैंने धोया था, तो आज फिर से मुझे लग गया कि आज इसे धोना चाहिए, क्योंकि फ़र्श जो है जल्दी गंदा ना हो, ज़्यादा गंदा होने से पहले अच्छा है कि मैं इसे धो देती हूँ। तो बस वही मैं आज कर रही थी। और मैंने यहाँ पे जो है पानी डाल दिया था 1-2 बाल्टी और किचन में आकर मैंने सबसे पहले जो है फ्रिज वगैरह की डस्टिंग कर दी थी और उसके बाद जो है फ़र्श धोया था। फ्रिज की डस्टिंग भी रोज़ ही होनी चाहिए क्योंकि गंदा कर देते हैं, बच्चों वाला घर होता है तो गंदा हो ही जाता है। तो जी, यहाँ पर मैंने मशीन वगैरह के साथ में मशीन एक जगह सेट रहती है तो हिलती विलती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा गंदा हो रखा था, तो मैंने आज मशीन को भी हटा के जो है अच्छे से साफ़ कर दिया था। और कुछ नहीं है, यहाँ पे जो कपड़ा वगैरह गिर जाता है तो ये मशीन जो है हिलती ही नहीं है, यहाँ से ये सेट रहती है, इसकी जगह ये बनाई हुई है। तो घर में कभी कभी ये वाली डस्टिंग करने का भी मन हो ही जाता है कि मतलब किसी ना किसी चीज़ को मतलब कुछ नया तो नहीं है ये, क्योंकि डेली डेली वाले वर्क हैं ये, कोई इसमें नया नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि ये जो डेली की डस्टिंग होती है ये ज़रूरी होती है। कई बार होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है तो कभी कभी बीच में मिस हो जाता है, लेकिन वैसे ये डेली के काम होते ही हैं। और इन डेली की डस्टिंग की वजह से मेरा जो है घर साफ हो दिखता भी है और अच्छा भी लगता है। बच्चों के घर में वैसे भी आप कितनी भी सफाई कर लो दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा घर जो है अच्छे से साफ़ रहे। तो जी, यहाँ पे पानी वगैरह सारा मैंने निकाल दिया था, उसके बाद आ गई थी बारी पोछे की। तो चलिए लगा देते हैं पोछा, उसके बाद जो है फ़र्श सूख जाएगा। पोछा भी लगाना ही पड़ता है क्योंकि अगर मैं पोछा नहीं लगाऊंगी तो इसमें कहीं ना कहीं से कभी अलमारी के नीचे से, बेड के नीचे से पानी निकलता रहता है, तो एक बार अच्छे से पूरा निचोड़ के पानी जो है मैं अच्छे से लगा दूंगी। बस यही काम है कि इसके बाद जो है काम हो गया है ख़त्म। और उसके बाद आज कपड़े वगैरह नहीं धुले थे तो मैंने जल्दी अपना नहाना धोना कर लिया था और यहाँ पे मैं बैठ गई थी सूट की कटिंग करने। ये सूट है मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, तो मैं अभी घर पे गई थी तो एक मरून कलर का था और एक ये स्काई ब्लू कलर का था, और इसीलिए मैंने आज पहले सोचा कि मैं इसे सिल देती हूँ। इनमें कपड़ा जो है सलवार जो है हल्की ना बने तो मैं इनकी पैंट बना दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सलवार का कपड़ा अगर 2.75 मीटर से ज़्यादा है तो सलवार ही अच्छी लगती है उसमें, अदरवाइज़ आप पैंट वगैरह बना लें तो सही है। तो इसमें कपड़ा 2.25 मीटर है, 2.25 मीटर से ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसकी पैंट वगैरह ही बनाऊँगी। सबसे पहले मैं इसकी सूट की कटिंग कर देती हूँ। कटिंग करने के बाद, सूट सिलने के बाद ही मैं बाद में सोचूंगी कि मुझे इसका, और कभी मेरा मन बदल जाता तो फिर मैं उसके बाद देखूँगी कि क्या बनेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब अगर चलो मन नहीं कर रहा है इस चीज़ का, पैंट वगैरह नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पैंटें अभी बनाई हैं, कई सारे सूट की मैंने पैंट बना ली हैं, तो देखते हैं क्या मन करता है। Thank you.
तो जी हाँ, मेरी कटिंग हो गई थी कंप्लीट। मैंने बच्चों को खाना वगैरह सब दे दिया था, उन्होंने खाना वगैरह सब खा लिया और वो आराम से देख रहे हैं टीवी। उसके बाद मैं बैठ गई थी सिलाई करने। और सबसे पहले मैं आप लोगों को सबको उस चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जो मैंने अभी लास्ट वीडियो जो डाली थी खाटू श्याम बाबा जी की, वो वीडियो मेरी बहुत अच्छी, मतलब बहुत लोगों ने मुझे उसके लिए कमेंट किया है कि वो सबको बहुत अच्छी लगी है और खाटू श्याम जी का मंदिर जो है बहुत ही प्यारा लगा है सबको। तो उसके लिए मुझे बहुत कमेंट आए थे, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सबको। खाटू श्याम जी का मंदिर वो वाकई में बहुत अच्छा बनाया है, तारीफ़ के काबिल भी है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत बारीकी से सारे काम जो है किए हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि वीडियो से ज़्यादा देखने में आपको लाइव देखने में मज़ा आएगा उसे, और बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी आपको जाएंगे तो बहुत ही जो अच्छी वाली फीलिंग है वो आएगी। अभी आपको वीडियो में देखकर अच्छा लगा है, उस लाइव देखकर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक बार जाइए और उसे देखिए। अलीपुर आपने सुना होगा, दिल्ली में ही पड़ता है, अलीपुर के जस्ट शुरू में ही, शुरुआत में ही वो मंदिर बना हुआ है। बुढ़पुर में हनुमान जी का एक मंदिर है राइट हैंड पे, और उसके बाद जो है थोड़ी सी 10-15 कदम की दूरी पर ही जो है ये मंदिर बना हुआ है खाटू श्याम जी का। और ये 1 लाख गज ज़मीन में ये मंदिर बना हुआ है, और हर चीज़ की फैसिलिटी इस मंदिर में दी हुई है बहुत अच्छी। बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के ये मंदिर में जो है काम किया हुआ है कि बच्चे किसी भी चीज़ के लिए अच्छा फील करें और घूमने फिरने में, मतलब आके सबको अच्छा लगेगा, बड़ों को भी और बच्चों को भी। तो आप लोग जाइए और मंदिर को देखिए। जो लोग खाटू श्याम जी को मानते हैं उनको अब राजस्थान वगैरह में नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, वो लोग जैसे नहीं जा पाते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ दिल्ली के दिल्ली में जाइए और देखिए। खाटू श्याम जी के दर्शन भी हो जाएंगे और उससे जो है अच्छा भी लगेगा। तो जी यहाँ मेरे कटिंग जो है सूट की मैंने करने के बाद सिलाई भी इसकी कंप्लीट थोड़ी थोड़ी कर दी है, और गले वगैरह मेरे हो गए हैं रेडी। उसके बाद जो है गले बनने के बाद तो सूट में कुछ नहीं रह जाता है, सलवार में टाइम लगता है, सलवार में पहुँचे और बेल्ट वगैरह ये सब हो जाती है, लेकिन सूट में टाइम नहीं लगता है। तो सूट मेरा जो है हो ही गया था, बस रेडी ऑलमोस्ट। सूट 15-20 मिनट में सिल जाता है। तो जी देखिए मेरा सूट हो गया है रेडी। आप लोगों को कैसा लगा, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। सिलाई हो गई थी कंप्लीट, और उस बच्चों को मैंने चाय वगैरह नाश्ता करा दिया है और वो चले गए हैं ट्यूशन। उनका टाइम हो गया था ट्यूशन का, ट्यूशन है ना मैंने इसी मंथ ही लगाया है, अभी मतलब कल से ही जाने लग गए हैं। मैंने ट्यूशन हटा दिया था कि वो 1 महीना एंजॉय कर सके, लेकिन फिर भी क्या है ना मेरे को घर में इतना टाइम नहीं मिल पाता। शाम के टाइम लड़कियाँ आ जाती हैं सीखने सिलाई, और दिन में भी मुझे सिलाई करनी पड़ी तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती, तो जो उनका हॉलीडे होमवर्क है वो ना रह जाए, तो इसलिए मैंने उनको ट्यूशन जो है दोबारा से भेज दिया है। तो मैंने बच्चों से पूछा था कि आप लोगों को ट्यूशन जाना है, तो बच्चों ने खुद ही बोला था कि हाँ मम्मा हमें ट्यूशन जाना है। तो मैंने उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं भेजा था, उनकी मर्ज़ी थी तभी मैंने भेजा था। और उस बीच मैंने उनको नानी के घर भी घुमाकर लेकर आ गई हूँ, तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ जाना भी नहीं है कहीं भी कुछ भी, तो मम्मा हम ट्यूशन चले जाते हैं, तो उन्होंने बोला तो मैंने उन्हें भेज दिया। शाम के टाइम ट्यूशन जाते हैं 4 बजे, तो 2 घंटे पढ़कर आ जाते हैं, और उसके बीच में भी पूरा दिन उनके पास होता है, उसमें वो कितना भी इंजॉय कर सकते हैं अपनी छुट्टियों का। तो इसीलिए मैंने उनको ट्यूशन जो है भेज दिया था। और यहाँ पे धैर्य जो है मेरी मदद कर रहा था, मदद क्या कर रहा था, ये उल्टे काम करता है, सारे कपड़े जो है देखो गिरा रहा था, और मुझे गुस्सा भी आता है कभी कभी, ये काम जो है फैला देता है। और मैंने इसको दे दिया था कि इसके कपड़े जाओ आप रखो और ड्रॉअर में, तो ये चला जाता है, सुन लेता है बातें, तो मैंने इसको जो है भेज दिया था। ये कपड़े जो है मैंने कल शाम को धोए थे, वो कपड़े जो है सूख गए थे ऊपर, तो मैंने यहाँ पर जो है कपड़े इनकी तह वगैरह मैंने लगा दी है। अब आज के कपड़े अभी नहीं धुले हैं, और शायद मैं आज ना भी धोऊं तो कल ही धो दूंगी, तो इसीलिए मैंने आज अवॉइड कर दिया था दिन। और कुछ अब शाम का टाइम हो ही जाएगा, तो शाम का टाइम जो है इतना टाइम नहीं मिलता है कि अब कपड़े वगैरह धोने में, तो कभी लगानी पड़ती है तो 4 बजे के बाद ही मशीन लगानी पड़ती है, लेकिन अब 4 से ऊपर हो गया था टाइम,
तो अब नहीं लगेगी। तो जी ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।